यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग का आयोजन हो रहा है। शासकीय संस्कृति विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हिंदी दिवस के इस खास मौके पर हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई लोगों को सम्मानित भी किया जाना है। और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मंच में मौजूद है। और आज कई लोगों को सम्मानित भी किया जाना है जिन्होंने हिंदी भाषा के में बहुत बेहतर काम किया है, जो बहुत अच्छे उम्दा लेखक हैं, जिन्होंने खूब बढ़िया किताबें लिखी हैं, या फिर जिन्होंने अपने काम के दौरान कुछ बेहतर उपलब्धि हासिल की है, प्रदेश का नाम रोशन किया है, आज उन सभी को सम्मानित भी किया जाना है। और ये देखिए कुछ खास जो कार्यक्रम के दौरान पूरी अनाउंसमेंट है वो भी आपको सुनाएंगे। और ये देखिए सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के हाथों माननीय संस्कृति मंत्री जी की उपस्थिति में श्री अमकेश्वर मिश्रा भोपाल, और उसके बाद राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2022 प्रशस्ति वाचन आदरणीय संचालक संस्कृति। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2022, यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में हिंदी के विकास में किए गए अमूल्य योगदान के दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह सम्मान सुविख्यात लेखिका डॉक्टर हंसादीप को दिए जाने की अनुशंसा चयन समिति द्वारा की गई है। डॉक्टर हंसादीप का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ है। आपने हिंदी विषय में PhD की उपाधि प्राप्त की है। आप टोरंटो कनाडा में निवास करते हुए वहां हिंदी के विकास एवं समृद्धि में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। आप लोक साहित्य के साथ ही उपन्यास एवं कहानियों के लेखन में निरंतर सजन सक्रिय हैं। अतः मध्य शासन डॉक्टर हंसादीप को विदेश में हिंदी भाषा के विकास विस्तार और संवाद के लिए किए गए सार्थक एवं निरंतर प्रयत्नों हेतु अप्रवासी भारतीयों के लिए स्थापित राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2022 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2022 और ये सम्मान सलंकृत हो रही है डॉक्टर हंसादीप टोरंटो कनाडा। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपए की सम्मान निधि, शॉल, श्रीफल, गुलदस्ता और उत्कीर्ण प्रशस्ति भेंट। रिकॉर्ड हुआ नहीं है ये अचानक। तो ये देखिए हिंदी भाषा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और इस अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आप देखिए जिन्होंने हिंदी भाषा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के कोने कोने से ये लोग आए हुए हैं, और साथ ही जो विदेशों में रहकर भी हिंदी भाषा को और ज्यादा प्रसारित कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। शर्मा की अभिरुचि है, आपके तकनीकी प्रपत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़े गए हैं तथा प्रकाशित हुए हैं। अतः मध्य शासन डॉक्टर अनुराग शर्मा को विदेश में हिंदी भाषा के विकास विस्तार और संवाद के लिए किए गए सार्थक एवं निरंतर प्रयत्नों हेतु अप्रवासी भारतीयों के लिए स्थापित राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान वर्ष 2023 से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर अनुराग शर्मा पेंसिल्वेनिया अमेरिका से पधारे हैं और वहां रहकर सेतु जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन करते हैं। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2023 माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त कर रहे हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय गुणाकर बुले सम्मान 2022। यह सम्मान प्रतिवर्ष हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन के साथ ही पाठ्य पुस्तकों में लेखन के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह सम्मान सुप्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र को प्रदान किया जा रहा है। आपने वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MSc रसायन विज्ञान तथा वर्ष 1992 में रसायन विज्ञान में PhD की उपाधियां प्राप्त की हैं। आपका हिंदी में शैक्षिक एवं लोक उपयोगी वैज्ञानिक साहित्य के सृजन में उल्लेखनीय योगदान है।
देश में वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा देना तथा विज्ञान लोक व्यापीकरण के लिए विगत 3 दशकों से निरंतर मौलिक लेखन के साथ साथ अनुवाद कार्य भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं। आपकी अब तक विज्ञान संबंधी कुल 25 पुस्तकें तथा 300 से ज्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अतएव मध्य शासन डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र को वैज्ञानिक तथा प्रावधिक लेखन में हिंदी की उपयोगिता और उसकी व्यवहारिकी को प्रतिष्ठित करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2022 से सादर विभूषित करता है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान विज्ञान लेखन के लिए विशेष रूप से परिकल्पित है और वर्ष 2022 का यह पुरस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र मुंबई प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद वर्ष 2023 राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2023 श्री देवेंद्र मेवाड़ी दिल्ली को प्रदान किया जा रहा है। श्री देवेंद्र मेवाड़ी ने वनस्पति शास्त्र में MSc हिंदी में MA तथा PG डिप्लोमा की उपाधियां प्राप्त की हैं। हिंदी साहित्य लेखन के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय है। आपके मौलिक पुस्तकों में विज्ञाननामा, विज्ञान प्रसंग, 10 कहानियां, कोख, भविष्य तथा बाल विज्ञान साहित्य में विज्ञान 12 मासा, सौरमंडल की सैर, विज्ञान और हम इत्यादि शामिल है। आप विगत 6 दशकों से देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य कर रहे हैं। आपने धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, जनसत्ता, नवभारत प्रमुख है। अब तक प्रमुख 3500 से अधिक मौलिक वैज्ञानिक लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। अतः मध्य शासन श्री देवेंद्र मेवाड़ी नई दिल्ली को वैज्ञानिक एवं प्रावधिक लेखन में हिंदी की उपयोगिता और उसकी व्यवहारिकी को प्रतिष्ठित करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2023 से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर देवेंद्र मेवाड़ी नई दिल्ली इस वक्त राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2023 का प्राप्त कर रहे हैं। एक बार फिर बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल श्रीफल 5 लाख रुपए के सम्मान निधि भेंट कर, उत्कीर्ण प्रशस्ति भेंट कर अभिनय देवेंद्र जी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं और उसके बाद राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2022। यह सम्मान प्रतिवर्ष अहिंदी लेख भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन में हिंदी की समृद्धि के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह सम्मान हिंदी साहित्य लेखन एवं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में सक्रिय डॉक्टर दामोदर खड़से को दिया जा रहा है। आपने हिंदी साहित्य पर 5 शोधकार PhD तथा उपन्यासों, कविताओं, कहानियों पर 3 MPhil संपन्न हो चुके हैं। आपके विभिन्न कथा संग्रह, उपन्यास एवं कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपके द्वारा अनुदित पुस्तकों में अछूत, रामनगरी, कालचक्र, पराया, भूले बिसरे दिन, ऐसे लोग ऐसी बातें, 12 मास, मन सर्जन, कमला इत्यादि शामिल हैं। अतः मध्य शासन डॉक्टर दामोदर खड़से को अहिंदी भाषी लेखन के क्षेत्र में हिंदी के समृद्ध विकास योगदान एवं सराहनीय कार्यों के लिए स्थापित राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान वर्ष 2022 से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर दामोदर खड़से पुणे, मराठी भाषी, हिंदी भाषी होकर भी हिंदी को लेकर लगातार सक्रिय और अपने बहुआयामी लेखन से हिंदी को समृद्ध करने वाले राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान से सादर विभूषित हो रहे हैं और इसके बाद वर्ष 2023 का यह सम्मान। वर्ष 2023 का यह सम्मान सुप्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार एवं लेखक डॉक्टर मनमोहन सहगल को प्रदाय किया जा रहा है। आपने हिंदी तथा दर्शन शास्त्र में MA, BT, PhD एवं DLit की उपाधि प्राप्त की है। आप देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्राध्यापक, रीडर, अध्यक्ष, आचार्य एवं वरिष्ठ अन्वेषक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। आपकी मौलिक रचनाएं, जिनमें गुरु ग्रंथ साहिब, एक सांस्कृतिक सर्वेक्षण, संत गुरु अंगदेव आदि शामिल हैं। आपके मौलिक उपन्यासों में जिंदगी और जिंदगी बदलती करवटें, कश्मीर की कसक, एक और रक्त बीज, नरमेध, घटता बढ़ता चांद, समझौते से पहले, सुर मिले मेरा तुम्हारा, काला सच इत्यादि शामिल है। अतः मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मनमोहन सहगल को अहिंदी भाषी लेखन के क्षेत्र में हिंदी के समृद्ध विकास योगदान एवं सराहनीय कार्यों के लिए स्थापित राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान वर्ष 2023 से सादर विभूषित करता है।
निश्चित रूप से ये बहुत ही गौरव के क्षण है जब उम्र दराज डॉक्टर मनमोहन सहगल पटियाला से चलकर हमारे हृदय प्रदेश की राजधानी में आयोजित इस अलंकरण समारोह की शोभा बन रहे हैं। उन्होंने ये सम्मान ग्रहण किया, हम उनके कृतज्ञ हैं। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान वर्ष 2023 का माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सहगल। और अब इसके बाद राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान। यह सम्मान प्रतिवर्ष विदेशी मूल के व्यक्ति जिन्होंने हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह सम्मान सुप्रतिष्ठित लेखिका सुश्री अतिला कोतलावल को प्रदान किया जा रहा है। सुश्री अतिला जी श्रीलंका में रहते हुए वहां के छात्रों को हिंदी भाषा सिखाने के साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति के निकट लाने का कार्य कर रही हैं। आपने वर्ष 2012 में श्रीलंका में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की है, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, जिसका लाभ श्रीलंका के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी उठा रहे हैं। आप विशेष रूप से बोलचाल की हिंदी भाषा पर बल देते हुए हिंदी फिल्मों संवादों के माध्यम से कई वर्षों से भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से पाठ्यक्रम चला रही हैं। हिंदी शिक्षण के साथ ही अनुवाद कार्य में भी आपकी सक्रिय भागीदारी है। अतः मध्य शासन सुश्री अतिला कोतलावल श्रीलंका को विदेशी मूल में के व्यक्ति द्वारा हिंदी भाषा की समृद्धि तथा उसके विकास में किए गए अमूल्य योगदान के लिए स्थापित राष्ट्रीय फादर कामिल बुलके सम्मान वर्ष 2022 से सादर विभूषित करता है। सुश्री अतिला कोतलावल श्रीलंका और वर्ष 2022 का राष्ट्रीय फादर कामिल बुलके सम्मान प्राप्त कर रही है। श्रीलंका और भारत के सांस्कृतिक संबंध हम सबसे अछूते नहीं है। भाषा की संधि पर भी अतिला जब इस संस्कृति और इस अनुराग परस्परता को रेखांकित करती हैं तो हिंदी और समृद्ध होती दिखाई देती है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान वर्ष 2023 का यह सम्मान हिंदी, संस्कृत और चेक भाषा की अध्येता और लेखिका सुश्री दामगार मार्कोवा को प्रदान किया जा रहा है। सुश्री मार्कोवा की प्रतिष्ठित हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी है। आप निरंतर चेक गणराज्य में रहते हुए हिंदी के विकास एवं उसके समृद्धि में अपना निरंतर योगदान दे रही हैं। सुश्री दामगार अपनी अस्वस्थता के चलते आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाई हैं, किंतु उन्होंने यह सम्मान प्राप्ति के लिए पत्रिका के संपादक सुश्री सुषमा शर्मा को अधिकृत किया है, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि वे वर्ष 2023 के फादर राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान से सम्मानित सुश्री दामगार मार्कोवा का यह सम्मान ग्रहण करें। जैसा कि आपको सूचित किया गया, हमारे बीच यह सम्मान ग्रहण करने के लिए दागमार मार्कोवा स्वयं उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके हिस्से का यह सम्मान आदरणीय सुश्री सुषमा शर्मा प्राप्त कर रही हैं।